दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान, लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते। पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए। चाहे पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे, देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, उन्होंने षड्यंत्र रचा केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों अब हम जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, मैं पैसे कमाने नहीं आया,
पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था, पैसे नहीं कमाने। देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे दोस्तों। इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा, आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया।